बड़ी खबर है वो दिल्ली से है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक डीटीसी बस में आग लग गई। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, दोबारा आप देख सकते हैं। बस के चारों तरफ आप अगर देखें तो सिर्फ धुआं धुआं और धुआं ही आप देख पा रहे हैं। किसी की घायल होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। और जब बस में आग लगी तब उसमें कोई यात्री नहीं था। बस की आग की वजह से पास की दो दुकानों में इसकी चपेट में आई, पास की दो दुकानें, और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस वक्त किस तरह के हालात हैं जानने के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, और क्या डिटेल्स है आपके पास इस वक्त, क्या आग बुझा ली गई है? दोपहर करीब 2:00 अचानक से महिपालपुर के सड़क से अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जब रूट नंबर 534 के एसी बस से अचानक रुक गई और उसके अंदर से धुआं और तेज लपटे निकलने लगी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां वहां पहुंची थी और आग को काबू में किया गया। रात की बात ये थी कि डीटीसी बस पूरी तरीके से खाली थी, कोई सवारी उसमें नहीं थी और जो ड्राइवर वगैरह थे वो आग लगने से पहले ही उतर गए थे। तो लेकिन जिस तरीके से आग एकदम करीब के आसपास की जो दो दुकानें हैं वो भी आग की चपेट में आ गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने दुकानों को और डीटीसी बस जो लगी थी उसमें उसको पूरी तरीके से काबू कर लिया था। बताया जा रहा है एसी की के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी, लेकिन इस आग में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं है, जो कि अपने आप में राहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा इन अपडेट्स के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।